तमिलनाडु में उत्तर भारत के मजदूरों पर स्थानीय लोगों द्वारा हमले किए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के बताकर कई वीडियोस शेयर किए गए। ऑल्ट न्यूज ने हाल ही में ऐसे ही 5 वीडियोस की जांच की और पाया कि ये वायरल वीडियोस असल में पुरानी घटनाओं से जुड़े हुए थे और इनका हाल में तमिलनाडु में हो रहे हमलों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में दैनिक भास्कर ने बिहारी मजदूरों पर हमला बताते हुए ये खबर अपने पटना एडिशन में 3 मार्च को फ्रंट पेज पर पब्लिश की। दैनिक भास्कर ने लिखा कि बिहार के पवन यादव की हत्या तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले की वजह से हुई है। वहीं उन्होंने तमिलनाडु पुलिस के आपसी झगड़े की बात को भी झूठा बताया। साथ ही दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट में जमुई के सिकंदरा निवासी मोनू दास की हत्या का जिक्र भी किया। 3 मार्च को दैनिक भास्कर ने पवन यादव की हत्या के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। फिलहाल इसे डिलीट कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में मृतक पवन यादव के भाई नीरज के हवाले से कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उन्हें शव वहीं जलाने के लिए कहा और कहा कि वापस जाकर केस मत करना। इस कारण परिवार वालों ने पवन का अंतिम संस्कार तमिलनाडु में ही कर दिया। इस रिपोर्ट में तमिलनाडु में रहने वाले सिकंदरा निवासी मोनू के बारे में भी बताया गया है। उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला था और रिपोर्ट में लिखा है कि मोनू के भाई और पिता ने हत्या कर शव लटकाने की बात बताई थी। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी ये घटना कवर करते हुए ये वीडियो रिपोर्ट शेयर की थी। दावा है कि तमिलनाडु में जमुई के 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। इसके बाद वहां से जमुई के लिए मजदूर ट्रेनों में छुपकर आ रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिपुर में जमुई के धधोर गांव के रहने वाले पवन यादव और सिकंदरा के मोनू दास की हत्या के बाद अब तक दर्जनों युवक अपने गांव लौट चुके हैं। मृतक पवन यादव के भाई नीरज कुमार ने कहा कि तमिलनाडु में माहौल बहुत खराब है, वहां देखते ही कट्टे से मार दिया जा रहा है। वहाँ का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ पा रहे वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है कत्ल। अच्छा, लेकर आपके भाई जो है पवन यादव की जो वहाँ पर हत्या कर दी गई है, क्या कारण से वहाँ पर? उसका देखिए कारण तो कुछ नहीं है, पर हम लोग का लग रहा है कि वहाँ का कोई साजिश किया गया, साजिश के तहत मारा गया। मतलब कि वहाँ पे वो आया कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा खींचते समय पीछे से उसको बार किया गया पीछे से। हाँ, हम लोग तो रूम में थे वहाँ पर। क्या तमिलनाडु वाले का क्या कहना है? कहना यही कि मतलब कि जो काम कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई 800 में काम कर रहा है 8 घंटा, तो बिहारी लोग का अगर 500 दे रहा है तो 12 घंटा काम कर रहा है। अच्छा, 500 में बिहारी कर रहा है, इसीलिए उसका विरोध करता है। हाँ, इसीलिए। वहीं TV9 भारतवर्ष ने भी इन घटनाओं को तमिलनाडु में मजदूरों पर हो रहे हमलों से जोड़ा। लेकिन सबसे पहले बिहार के जमुई की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से तमिलनाडु गए 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर डर कर घर लौट गए। बहुत अत्याचार हो रहा है बिहारियों के साथ, तो उसका बात करते करते मारा है। जानवरों के सलूक किया जा रहा है मैं बिहारियों के साथ में, पुलिस के सामने मारता, कोई कुछ बोले वाला नहीं रहता। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? क्यों तमिलनाडु से बिहार लौटने के लिए मजदूरों में अफरा तफरी मची है? और क्यों तमिलनाडु से जान बचाकर बिहार लौट आए मजदूरों में अभी भी खौफ है, दहशत है और अफसोस इस बात का है कि वो अपने साथी पवन को बचा नहीं पाए, उस पर पीछे से जानलेवा हमला हुआ। वहाँ का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ पा रहे वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है। वो आया कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा खींचते समय पीछे से उसको बार किया गया। तमिलनाडु में पवन ही नहीं, बिहार के एक और मजदूर की मौत हुई है। मृतक मोनू रविदास भी जमुई के सिकंदरा का ही रहने वाला था। हालांकि तमिलनाडु से जमुई लौटे कई मजदूर खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि वो जान बचाने में कामयाब रहे। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी यही दावा ट्वीट किया। तो क्या वाकई में पवन यादव और मोनू दास की मौत तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हो रहे हमलों के कारण हुई थी? आइए सबसे पहले बात करते हैं पवन यादव की मौत के बारे में। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि पवन यादव की हत्या एक आपसी झगड़े के कारण की गई थी। पुलिस ने हमें FIR कॉपी भेजी। ये शिकायत पवन के भाई नीरज कुमार ने दर्ज करवाई थी। FIR के मुताबिक झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी को अपनी पत्नी का पवन यादव के साथ अवैध संबंध होने का शक था।
इसकी वजह से वो अक्सर अपनी पत्नी और पवन यादव से झगड़ा करता था। 19 फरवरी की रात उपेंद्र धारी ने पवन यादव पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए नीरज कुमार ने बताया कि उपेंद्र धारी को अपनी पत्नी और पवन यादव के बीच अवैध संबंध होने का शक था। हालांकि नीरज ने इन संबंधों की बात को ठुकरा दिया है। नीरज ने आगे बताया कि इसी शक की वजह से उपेंद्र धारी ने पवन यादव की हत्या कर दी। पवन यादव के भाई नीरज कुमार ने न्यूज 4 नेशन को इंटरव्यू भी दिया था। ओ उपेंद्र धारी है, कहां का रहने वाले? वो झारखंड का है, धनबाद झरिया बोरागढ़ का है। उसके बारे में सूचना आ रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, सही बात है? जी, गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। वहीं पवन के भाई बलिराज ने कहा कि उनके भाई की हत्या के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी उपेंद्र धारी को गिरफ्तार कर लिया। आपके भाई को तो मारने वाला जो झारखंड का था ना? जी हाँ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जी जी। तो तमिलनाडु की जो पुलिस है, तो जिस टाइम आपके भाई की हत्या हुई उस टाइम तमिलनाडु की जो पुलिस है वो कितना सहयोग किया कर रहा था? जी, वो सहयोग किए हैं। FIR वगैरह दर्ज हुआ था? हाँ, FIR दर्ज हुआ है। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है? गिरफ्तारी भी हो गई है। तिरुपुर के DCP अभिषेक गुप्ता ने इस पूरे मामले पर ये कहा। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत है, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल है। इस मर्डर को उपेंद्र धारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। इन वीडियोस को आप देखकर विश्वास ना करें। इनको शेयर करने वालों पर और हिंसा फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मोनू दास की मौत के बारे में। इस मामले पर 26 फरवरी को नवभारत टाइम्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया है कि मोनू दास का शव पंखे से लटकता हुआ मिला था। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले की तह तक जाने के लिए तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के SP से बात की। उन्होंने बताया कि यह हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने हमें ये डिटेल स्टेटमेंट भी भेजा, जिसमें बताया गया है कि मोनू दास का शव पंखे से लटका हुआ मिला था। मोनू कुमार के बड़े भाई सोनू कुमार ने इस पूरे मामले के बारे में ऑल्ट न्यूज को ये बताया। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो जी। हम लोग सर तीन भाई थे। मेरा भाई जो मतलब बड़ा भैया, उसका नाम तुलसी कुमार है सर। दूसरा नंबर में हम सोनू कुमार, और जो मेरा भैया मतलब डेट जो हो गया, मेरा छोटा भाई था, उसका नाम था मोनू कुमार सर। हम लोग तमिलनाडु में 5 साल से काम कर रहे थे। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। उसका क्या मानसिक संतुलन, उसका क्या प्रॉब्लम था सर, वो खुद से ऐसा सुसाइड कर लिया सर। हम लोग ड्यूटी चल गए थे सुबह में। ड्यूटी जाने के बाद में आए, बाद में रूम में ऐसा ऐसा करने के बाद रूम जो डोर ओपन नहीं किया सर। बाद में खिड़की से देखने के बाद में तो देखे मतलब सुसाइड क्या हुआ था सर, तौल में सुसाइड क्या हुआ था। उसके बाद में सर रूम ओनर को मतलब इन्फॉर्म किए, रूम ओनर आए, उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम में लेके गया सर। तमिलनाडु में हम लोग का ऐसा तमिल आदमी क्या भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं किया। हम लोग को बाद में हेल्प किया, बाद में हम लोग यहाँ घर आए हैं। यहाँ पे जो है क्रियाक्रम जो भी पूजा है सर, वो सभी मतलब सभी अति करके उसके बाद में मतलब जाएंगे फिर सर तमिलनाडु। वहीं मोनू के बड़े भाई तुलसी कुमार ने अपने भाई की मौत के बारे में ये कहा। हम लोग सुबह में मॉर्निंग में ड्यूटी गया, ड्यूटी जाने के बाद में 4 बजे जब मैं उधर से आता है तो देखता है मेरा भाई उधर से टॉवल में सुसाइड करके, और टॉवल में सुसाइड कर लिया, गेट लॉक, अंदर से गेट लॉक करके सुसाइड करेगा। उधर सभी तमिल आदमी मेरा कितना हेल्प कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम। यानी बिहार के रहने वाले पवन यादव और मोनू दास की मौत की खबर को दैनिक भास्कर समेत अन्य मीडिया संगठनों ने तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हो रहे हमले से जोड़कर चलाया। जबकि असल में पवन यादव की हत्या आपसी विवाद के कारण हुई थी, वहीं मोनू दास ने आत्महत्या की थी।